क्रीमी मिक्स वेज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान है और बनाने में भी एकदम ईजी है। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 10-12 मैंने पनीर के क्यूब्स लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, गाजर लिया है, फ्रेंच बीन्स लिए हैं, गोभी ली है और आलू लिया है। सबको मैंने छोटे साइज के पीसेस में कट करके लिया है। ये हरे मटर हमने लिए हैं। ये बाकी के जो चीज़ें हैं ये हमें ग्रेवी बनाने के लिए लगेंगे, तो उसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 4 हमने लाल टमाटर लिए हैं पके हुए, 8-10 हमने लहसुन की कलियां ली है, 10-12 हमने काजू लिए हैं और 1.5 इंच का हमने अदरक का पीस लिया है। ये कुछ मसाले हैं जो हमें सब्जी के लिए लगने वाले हैं, तो उसमें 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी ली है, 1 टेबलस्पून हमने धनिया का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने नॉर्मल रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है, 1/8 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। ये जो सब्जी हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी मिक्स वेज की सब्जी, ये हम बटर और ऑयल ऐसे मिक्स करके बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने क्रीम भी लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज सब्जी। गैस ऑन करके हमने बटर डाल लिया है और उसमें ही हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें हम ये प्याज डालेंगे, और जिंजर गार्लिक डालेंगे, इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1-2 मिनट प्याज और जिंजर गार्लिक को हमने भून लिया है, इसके बाद में हम ये काजू किशमिश डालेंगे। साथ में ही हम ये टमाटर इसमें ऐड करेंगे। तो टमाटर हमने पके हुए लिए हैं लाल, इसकी वजह से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे मिक्सी के जार में डाल के इसके पेस्ट बना लेते हैं। टोटल हमने इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। ये हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा था, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अभी इसमें हम सब्जियां डालेंगे। पहले आलू डालते हैं। सभी सब्जियों को हम अलग से ही फ्राई करेंगे। आलू पे अच्छे से कलर आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू के ऊपर कलर आना शुरू हुआ है, हम इन्हें निकाल देते हैं। अभी इसमें हम पनीर डालेंगे। ये हमारा पनीर भी फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। और गोभी हमने इसमें डाल दिया है। सभी सब्जियों को हमने अच्छे से वॉश करके फिर काटा है। देखिए हमारे गोभी के ऊपर भी कलर आ चुका है, इसे भी हम निकाल देंगे। अब हम गाजर डालेंगे। गाजर को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी हम निकाल लेते हैं और बीन्स इसमें डाल देते हैं। बीन्स थोड़े से ही फ्राई होने के बाद हम इसमें मटर और शिमला मिर्च भी डाल लेंगे। साथ में हम शिमला मिर्च भी डाल देते हैं और मटर भी डाल देते हैं।
ये फ्रोजन मटर है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सभी चीज़ें भी अभी फ्राई हो चुकी हैं तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये बचे हुए ऑयल में हम थोड़ा सा बटर डाल लेते हैं। तो साथ ही में जो मिक्सी में हमने मसाला बारीक किया था, प्याज टमाटर का, उसे भी ऐड कर देते हैं। मसाले के ऊपर अभी हम ढक्कन रख के इसे 4-5 मिनट अच्छे से भूनते हैं। ढक्कन निकाल के देखते हैं, 4-5 मिनट हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। बीच बीच में हमने एक दो बार इसे हिला के भी लिया था। अभी हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। ड्राई मसाले में जो हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, ये सब हम इसमें डालेंगे। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करके यहाँ 2-3 चम्मच क्रीम हमने लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं। एक 2 चम्मच क्रीम हम और डाल रहे हैं। ये चम्मच छोटा है इसलिए मैं, आप बड़े साइज का चम्मच लेते हो तो 4 चम्मच आपको क्रीम डालना है। देखिए हमारे ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। वापिस से इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे पकने देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू किया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये मिक्सी के जार में जो मसाला था उसमें हमने थोड़ा पानी डाला है, ये पानी हम इसमें ऐड करेंगे। आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप ऐड कीजिए। अभी इसमें ये कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हमने पहले ही भून के रखा है। पानी डालते ही हम इसमें अभी सभी सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जी को इस तरह से फ्राई करने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वापिस से एक 3-4 मिनट के लिए हम सब्जियों के ऊपर ढक्कन रख के उसे पकने देते हैं। ढक्कन निकाल के हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और वापस से सब्जी को ढक के रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी, उसका कलर भी कितना टेम्पटिंग है और दिख भी कितनी अच्छी रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अगर ये मेरी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।